अमेजिंग अमेजिंग, इट्स अ अमेजिंग मोमेंट, इट्स अ वंडरफुल मोमेंट, अनबिलीवेबल, आई कांट एक्सप्रेस, इवन आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस व्हाट टू से, हाउ टू से, बट रियली इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। एंड अभी हमारे बीच में हमारे भीष्म पितामह, टियांस बिजनेस के भीष्म पितामह हिंदुस्तान से, हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे लीडर, जिन्होंने जिनके आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पे हैं, मैं उनको अपने बीच में बुलाने जा रहा हूं। और वो कोई और नहीं है, हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की शान, जबरदस्त तालियों के बीच में, क्योंकि आप अपनी सीट पर बैठ के तालियां बजा सकते हैं, वन एंड ओनली ग्रेट वंडरफुल पर्सनालिटी और हमारे लिए एक महान हस्ती, वेलकम विकास मोहन गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू पाल साहब। अने सबसे पहले तो चेयरमैन सर को धन्यवाद और उनकी तरफ से आपको मुबारक, और हम सब उनकी वजह से यहाँ है, और त्यांशी का हर कोई भी जो स्टाफ छोटा बड़ा सबको हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि हमारी जो भी सक्सेस है थोड़ा बहुत छोटा मोटा हर किसी का कोई ना कोई योगदान है। तो आज के दिन हम आपकी तरफ से मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। और पॉल जी, बहुत बहुत खुशी का दिन है आपको और योगराज जी को आज की सक्सेस के लिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और उसके अलावा भी जो टीम में योगराज जी गोल्ड हुए हैं और आप डायरेक्टर हुए, तो कोई सिल्वर भी हुआ होगा, कोई ब्रॉन्ज भी हुआ होगा, कोई एट स्टार भी हुआ होगा, सबके नाम जैसे आपने कहा आज नहीं ले जा पाएंगे, बट हमारी तरफ से जिन्होंने भी रैंक चेंज किया है इस क्लोजिंग में, सबको हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग का हमारी टीम में, हम लोग एक साथ हैं उसके लिए मेरे को भी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे पॉल जी करे थे, मेरे को भी नहीं समझ नहीं आ रहा कि लाइक किन शब्दों में, यानी ये जो अचीवमेंट है आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी लाइक इसको आप, हम ठीक है अचीवमेंट होती रहती है, बट ये अचीवमेंट जो है इट्स ग्रेट 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 अचीवमेंट। पॉल जी आपको फिर से धन्यवाद, और आज मैं बहुत ज्यादा समय नहीं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत लोगों की बातें सुननी है, तो मैं दो तीन छोटी छोटी एक एक दो मिनट की स्टोरीज आज रिलेटेड टू टी है स्टोरीज, बट क्या होता है कि स्टोरीज में आदमी बोर भी नहीं होगा और समझ जल्दी आ जाएगी। जी सर जी, तो, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्योंकि मैं अपनी बातें तो लोग सुनते रहते हैं, आज आप लोग की बातें सुनने का टाइम है, तो मैं अपनी तरफ से एक दो चीजें बस कहना चाहूंगा। एक ये शिकागो की कहानी है, ये रियल स्टोरी है, ये कोई किताबी कहानी नहीं है। वहाँ एक टीवी स्टेशन होता था, और शायद ये जैसे आजकल रियलिटी शो चलते हैं, तो उस टाइम किसी ने सोचा चलो एक रियलिटी शो किया जाए। तो उन्होंने अपने एक स्टाफ को बोला कि एक बैग में उसको पैसे लाखों डॉलर भर के एक बैग में दिए, और उसको बोला तू जाके नीचे स्ट्रीट पे खड़ा हो जाए, नीचे गली पे खड़ा हो जाओ, कोने गली के कोने में खड़ा हो जा। उसके गले में एक तख्ती टांग दी, इस बैग में मेरे पास बहुत पैसे हैं, जिसको जितना चाहिए मेरे से ले सकता है। आप मानो यानी आप, उसने तख्ती टांग दी और बैग में रियल पैसे हैं उसके पास, और वो लिख रहा है जिसको चाहिए उसको जितने जो मांगेगा मैं उसको उतने पैसे दे दूंगा। मगर कोई नहीं, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, आ रहे हैं देख रहे हैं चले जा रहे हैं, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, क्योंकि बचपन से हमें जो सिखाया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना भला मनुष्य यानी दुनिया में ये पॉसिबल, जो हमारी बचपन से ये मत करो ऐसा हो जाएगा, ये मत करो ऐसा, तो ऐसे ही हमें बचपन सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर दिया गया है कि ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। एक पूरे दिन में एक शख्स आया उसके पास, कहता है मेरे को एक 25 सेंट, यानी जैसे 25 पैसे, कैन यू गिव मी 25 सेंट्स कि मैं अपने बस का टिकट ले सकूं। वो बंदा कह रहा है मैं तेरे को तो 1000 मांग, 2000 मांग, 10,000 मांग देने के तैयार हूं, 25 पैसे मांग रहे, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड ही उसको था ही नहीं आइडिया कि मैं मांगूंगा तो उतने मेरे को मिल जाएंगे। तो उसने उसको 25 पैसे दिए और वो बंदा बस में बैठ के चला गया। उसके बाद जो आ रहे, कई लोग तो डर के ये देख के कि ये पागल तो नहीं है, यानी लोगों ने सोचा ये क्रैक केस है, ऐसी पागल है तो कहीं हमको हर्ट ना कर दे, तो ये चीज ऐसा तो पागल बंदा ही लेके खड़ा होगा अपना उसमें गली में। कहने का मतलब ये है कि पॉल जी आप वो तख्ती लगा के खड़े हो चौराहे पे, बिल्कुल, और आपके बैग में टीन्स है,
और लोग आ रहे हैं कोई विश्वास ही नहीं, क्योंकि होता है ना जो आज जो आपकी लाइफस्टाइल है, लीडर्स की लाइफस्टाइल है, देख के वो कहते हैं ऐसा हुई नहीं, इसका हो गया नहीं, ऐसे तो जैसे आपने कहा पागल लोगों का काम है ये, आम आदमी ये काम, क्योंकि जुनून जो है पागलपन की हद तक उसमें चाहिए। तो जिन्होंने आपसे कुछ ले लिया वो आज आपकी टीम में है, जिन्होंने थोड़ा बहुत सोचा शायद ऐसा हो सकता है वो आपकी टीम में है, और जो आपको पागल समझ के या ये क्रैक है या ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आज भी कुछ ना कुछ जिंदगी में ठोकरे खा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और बसों के धक्के खा रहे हैं। जिन्होंने ये मांगने में हमारा क्या होता है कि हम मांगना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते। और मैं आपकी टीम में, अपनी टीम में सबसे ये कहूंगा कि जितना आपको मिला है आप ये मत सोचो पॉल जी के बैग में उतना ही था, पॉल जी के बैग में बहुत कुछ है, आप अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओ, क्योंकि आज जो सिल्वर है, गोल्ड है, 8 स्टार है, 6 है, 5 है, 7 जो भी है, और जो भी मंथली इनकम ले रहा है वो एक सेटिस्फाई है, शायद मेरे ये पाल जी के बैग में इतना ही था, मेरे को इससे कम मिल गया और वो खुश हो गया। डोंट बी सेटिस्फाइड, जो आपको मिला है पाल जी के बैग में बहुत है, उनसे लेने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, तो प्लीज जहां हो वहां रुको मत, पाल जी के पीछे लगे रहो और शर्माओ मत मांगने में, यानी मांगोगे तो मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। तो आपके आपके पास भी जो लोग आपको देख के, होता है ना हम जो भी टीम्स के डिस्ट्रीब्यूटर जब मार्केट में जाते हैं लोग हमें पागल बोलते हैं यार ऐसा नहीं होगा, तो आप घबराओ नहीं, ये उनकी सोच है, उनकी सोच से आपको डरने की जरूरत नहीं, जो आपके ले जाएगा वो कुछ बन जाएगा, जो नहीं ले जाएगा उसकी किस्मत है। उसके बाद क्या होता है, बैग भी ले लिया, टीम्स में आप आ भी गए, तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है कि कुछ बच्चे होते हैं जो होते हैं ना गुलाम बच्चे जी, तो बच्चे गुलाम होते हैं और वो कहते हैं हम इस गुलामी से कैसे निकले, तो ऊपर वाले से भगवान से दुआ करते रहते हैं, तो एक बार ऊपर वाला खुश हो जाता है यार इन बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मिराकल करता है और उन बच्चों को गुलामी से आजाद करा देता है। आजाद कराने के बाद वो उन बच्चों को उनके सपनों के शहर लेने के लिए लेके चलता है, बट इस स्टोरी की ट्रेजिडी ये है कि वो अपनों के सपनों के शहर पहुंच नहीं पाते। पता है क्या रीजन था? रीजन था कंप्लेन। जब तक वो गुलाम थे उनको गुलामी से आजादी चाहिए थी, जब गुलामी से आजादी मिल गई तो उनको ये भी चाहिए यार मेरे को बस में क्यों लेके जा रहे हो, मेरे को ट्रेन में लेके जाओ, मेरे को ट्रेन में लेके क्यों जा रहे हो, फ्लाइट से लेके जाओ, ये मेरे को यानी हर आदमी उनके पास कंप्लेंट शुरू हो गई। जब तक गुलाम थे कोई कंप्लेंट नहीं थी, जैसे ही गुलामी से आजाद हुए तो उनको कंप्लेंट शुरू हो गई। वैसे ही होता है जब तक आप त्यांशी में नहीं आते कोई कंप्लेंट नहीं होती, आप ढूंढ रहे हो पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे करना है, कौन सा करना है, जैसे ही त्यांशी में आते हैं हम हमारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट का ये है, हमारे सिस्टम का ये, व्हाटएवर है ना, देयर आर सो मेनी इश्यूज, यानी जो है हम उसको छोड़ के जो नहीं है उन कंप्लेंट्स पे लग जाते हैं। तो अगर हम कंप्लेंट्स पे लगे रहेंगे तो हमें आजादी मिलने के बाद भी हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप त्यांशी में आ गए हैं, आपके ऊपर वाले ने मुराद सुन ली है, आपको रास्ता दे दिया है, तो जस्ट गो ऑन दैट पाथ विदाउट कंप्लेनिंग। और अब आखिरी एक इसका एंडिंग जो है, क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड ही है जी। दो लोग होते हैं, एक पाल जी और एक पाल जी का दोस्त, दोनों सुबह सो के उठते हैं, तो जो पाल जी का दोस्त होता है वो बाहर खिड़की से देखता है कि बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, कहता है क्या मौसम है यार, मस्त मौसम है, ऐसे मौसम में कोई पागल ही है जो बाहर जाके सेल्स पे जाएगा, ये तो घर में बैठने का मौसम है, वो घर में बैठ जाता है। फिर पाल जी उठते हैं, और पाल जी उठते हैं तो खिड़की से देखते हैं, वो भी वही देखते हैं बारिश हो रही है, तूफान यानी बहुत अच्छा मौसम है, कहते यही तो मौका है बाहर जाने का, यही तो मौका है सेल्स करने का, क्योंकि सारे लोग घर में ही होंगे, पहले वाला खुद घर में रह गया कि ऐसे मौसम में कौन जाएगा, और पॉल जी ने यही मौका देखा कि यही तो मौका है कि बारिश की वजह से सब घर में होंगे और खास तौर से सेल्स वाले लोग, तो कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। तो एडवर्सिटीज में जैसे कहा कि हमें ये जो लॉकडाउन का हुआ तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई हमारे लिए, हम इसको ट्रेजेडी भी की तरह देख सकते थे, इसके प्रॉब्लम की तरह भी देख सकते थे, बट इसने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि सब लोग घर में थे और जूम की वजह से हम घर घर में पहुंच पाए। तो चीजें वही है, कंपनी वही है, अगर आपको पॉल जी का नजरिए से देखोगे तो आप डायरेक्टर बन जाओगे, और आप उस पॉल जी के दोस्त के नजरिए से देखोगे तो जहां हो वहीं घर पे बैठे रह जाओगे। तो बाहर निकलिए, सिचुएशन कोई भी, सब हम सब के लिए सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केटिंग प्लान है, सब कुछ सेम है, फर्क खाली सोच का है। तो सोच पॉल जी से ऐसी बनाइए और पॉल जी की जगह पे पहुंच जाइए, और पॉल जी आपसे, अरे हम हर किसी को अपनी जगह खाली करनी है, ग्रोथ कैसे होती है अगर हम अपनी जगह पे अटके रहेंगे, तो दूसरे को जगह कहाँ मिलेगी, तो हमें जागे, हम लोग को आपको
आप लोगों के लिए जगह खाली करते जानी है और आप एक एक स्टेप आते जाते रहिए। हम सब साथ हैं, हमारी इतनी बढ़िया फैमिली है। नहीं ऐसा, अब मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वही चीजें रिपीट होती चली जाएंगी, मगर लाइफ चेंजिंग चीज है। वर्ड्स नहीं है, लाइफ को आपकी ऐसे कर दे देती है। पैसा तो है, बट उसके बाद जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलता है। अब पॉल जी ने जब वो मेरे लिए कह रहे थे तो मेरे को भी लग रहा था क्या मैं वही हूँ जो 20 साल पहले था। नाम वही है, काम सब कुछ वही है, फर्क क्या हुआ? फर्क आप लोग की वजह से ये रिस्पेक्ट, यानी यहाँ हम तो आप, हम तो कुछ दे नहीं रहे आपको, फिर भी आप इतनी लव और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कहाँ ऐसा और मिलेगा जहाँ पैसे के साथ साथ प्यार, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन भी मिले। तो आप लोग को फिर से पॉल जी को, योगराज जी को और सब अचीवर्स को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी जल्दी आगे ऐसे अचीवमेंट्स रहे और आपसे मिलने का मौका मिलता रहे। थोड़ा सा चीजें सुधरी तो पर्सनली भी मिलना हो पाएगा, बट अभी के लिए जूम ने फिर भी हम लोग को एक साथ है, हो सकता है पर्सनली हम ज्यादा टाइम के बाद मिलते हैं, बट जूम की वजह से रेगुलरली फिर भी कम टाइम में मिल पाते हैं। तो थैंक यू पॉल जी फॉर इन्वाइटिंग मी और मेरे को अपनी फीलिंग शेयर करने का आपने मौका दिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पॉल जी। सुपर सर, सुपर, आपने तो कहते ना गागर में सागर भर दिया। इसीलिए तो दोस्तों, अगर सर की हम इतनी तारीफ करते हैं कि बहुत कम बातों में, बहुत कम शब्दों में कुछ ऐसा कह के चले जाते हैं कि उसके बाद आपका मन काम करने में कई गुना बढ़ेगा। तो रियली सर अमेजिंग, और सैल्यूट है आपको और इस प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए सर, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम आपके लिए धन्यवाद करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपसे इजाजत चाहेंगे और बिल्कुल नेक्स्ट